नमस्कार बच्चों, आपको पहले मैंने कविता द्वारा स्वरों का अभ्यास करवाया था, अब मैं आपको कविता द्वारा व्यंजन का अभ्यास करवाऊंगी। क से कबूतर उड़ता जाए, गुटर गुटर गीत सुनाए। ख से खरगोश तोड़ लगाता, उछल उछल कर गाजर खाता। ग से गमला घर में लगाओ, फूल लगाकर खुशबू पाओ। ग से गमला घर में लगाओ, फूल लगाकर खुशबू पाओ। घास से घड़ी टिक टिक करती, घास से घड़ी टिक टिक करती। टिक टिक करके समय बताती। ड का मतलब होता खाली, बच्चों बजाओ मिलकर ताली। च से चम्मच लाओ जी, इससे हलवा खाओ जी। छ से छतरी जब खुल जाए, छ से छतरी जब खुल जाए। धूप और पानी पास न आए, जा से जग भर लो पानी। झा से झंडा देश किसान, झा से झंडा देश किसान। झुक कर करो इसे सलाम। य का मतलब होता खाली, बच्चों बजाओ मिलकर ताली। ट से टमाटर लाल लाल, जैसे तुम्हारे मोटे गाल। ठ से ठटेरा बर्तन बनाता, जिसमें हम सब खाना खाते। ड से डमरू बाजे डम डम, ड से डमरू बाजे डम डम। जिस पर बंदर नाचे छम छम। ढ से ढक्कन कितना अच्छा, मक्खी से है रक्षा करता। अण का मतलब होता खाली, अण का मतलब होता खाली। बच्चों बजाओ मिलकर ताली। थैंक यू।